क्या नाम बहन जी आपका? अनीता। अनीता जी, कितनी उम्र है आपकी? लगभग 40 साल। क्या दिक्कत है आपको? जो आपको परेशानी है, किस लिए आए आप? बस कमर का दर्द है और ये पैर में दर्द। कमर से पैर में दर्द आता है? कितने साल हो गए? 12-13 साल हो गए। आज दिन बृहस्पतिवार है, ठीक। हमने आपको अभी, आप 20 मिनट पहले आए थे, हमने आपको छल्ला पहनाया। ये आपको साइटिका की प्रॉब्लम है, जिसको कहते हैं नस दबरी, नस ब्लॉक हो रही है। MRI कराने के बाद कोई नस ना दबती है ना कोई नस ब्लॉक होती है, सिर्फ टिश्यू टूट गए, जैसे पैर में मोच आ गई, मांस फट गया। होता है ना, डॉक्टर कह देता आराम करो 5-7 दिन, मांस फट गया, थोड़ा ज्यादा दौड़ भाग ना करो। तो आपके स्पाइनल कोड में L4, L5, S1 वगैरह, टिश्यू टूट गए, जैसे मांस फट गया, सीधी बात है। तो जो नस बराबर में जा रही है वो पैर में आ रही है, कमर से, स्पाइनल कोड से, जैसी वो टचिंग होती है तो वो लहर मार रही है, ठीक। नहीं, MRI में मैं तो नहीं पूछा आपसे, आपने तो मैं MRI लेके आऊंगी, मैं बता दिया ना MRI में क्या आया। मुझे MRI ना कराने की जरूरत है ना देखने की, मैं तो ये बता देता हूँ MRI में क्या आया, फोन पे बात करने से भी, और MRI में क्या आएगा और क्या डॉक्टर बोल लेगा मैं पहले ही बता देता हूँ। चाहे चंडीगढ़ तक हो, चाहे ऑल इंडिया तक हो, चाहे ऋषिकेश एम्स जाओ, चाहे जॉलीग्रांट जाओ, इसका इलाज मेडिकल में पूरे इंडिया में नहीं है, हिंदुस्तान में। ये साइटिका है, हर पुलिस आप बोलते हैं उर्दू भाषा में। अगर आप बीमारी का नाम भी डालोगे पूरे वर्ल्ड में हमारी वीडियो आ जाएगी, छल्ला बनाते हुए पूरे वर्ल्ड में। अगर आप बीमारी का नाम डालोगे, क्या नाम, कोई भी बीमारी का नाम, जैसे गठिया बाय साइटिका, तो हमारी वीडियो पूरे वर्ल्ड में आ जाएगी, अमेरिका तक, इंग्लैंड तक। और ये इलाज मेडिकल में नहीं, इसलिए हमने बिल्कुल प्रॉपरली कह रखा कि हमारी सेवा से परमात्मा की कृपा से ठीक हो जाता है। जब तक इनको छल्ला पहनाऊंगा या जब तक इनको पहनाऊंगा, अगर आपके दर्द नहीं रहा तो हमारी बात ना बजन, चाहे 20 साल से। तीन बातों का ध्यान रखना आपने, नहाने में तो एक बाली सुच्चा स्टूल रखना नहाने में, जैसे ये है इधर देखो, उकड़ू नहीं बैठना, उकड़ू बैठ के नहीं नहाना, इस पे बैठ के नहाओ, भले लिफाफा ना दो दमाद को, आपकी माता जी दीदी मुझे एक तो स्टूल दे दो और एक कुर्सी चौड़ी सी दे दो, अच्छी सी, तो थोड़ी स्ट्रेट हो, बैठने के लिए चेयर पर बैठना। ललिता पवार शशिकला की पिक्चर देखना पुराने जमाने की, इन्हें पता होगा, तो सीधे बैठना सास की तरह, सास बनना नहीं है, कल को बहू के साथ आने वाली, सीधे बैठना, टीवी देख रहे तो, बात कर रहे तो, खाना खा रहे तो, कुर्सी पर बैठना। आपको सत्संग में भी, जैसे आप जुड़े हुए हैं राधा स्वामी सत्संग में, जमीन पर नहीं बैठना दो दो घंटे, एक मिनट में फिर जमीन पर बैठने के बिना, फिर कुर्सी पर बैठो ना, ऐसे ऐसे बैठने के लिए, ऐसे चौकड़ी मार के कुर्सी पर बैठो, भवन बने यहाँ बैठो, बेंच पीछे कर लो, कमरे लगा लो पीछे, नीचे से पीछे से रख जाओ, आपने इस तरह नहीं बैठना। अब जैसे पीछे कुर्सी करके आप कुर्सी पर पलाती मार के बैठो, चल सारी रात बैठो, आज के बाद दर्द नहीं होने का। लेकिन बैठना कुर्सी पे है, सत्संग हो, जागरण हो, शादी हो, फेरे हो, कहीं डेथ हो जाए, कहीं देर भी हो रही, आप तो जमीन पे 3-3 घंटे 6-6 घंटे इस जन्म में नहीं बैठना, वरना ये किसी भी क्षण रिपीट हो जाएगा। और अगर आप जमीन पे बैठे 12 घंटे 6 घंटे 3 घंटे नहीं, नहीं। और ये रिपीट हो गया, फिर आप क्या करोगे जमीन? अच्छा, जब सत्संग बाबा जी का चलता है फिर तो 1-1.5 घंटा। जिनके घुटने खराब हो रहे, जैसे आपके ससुर के खराब हो रहे, उन्हें जबरदस्ती बिठा दोगे जमीन? नहीं, वो तो वैसे तो कुर्सियां भी है, लेकिन आपको कुर्सी पे इसलिए बैठना चाहे 3 घंटे का सत्संग है, ताकि आप ठीक रहे, तभी तो चलते जाएंगे हम चुनेटी तक भी, पिलखनी तक भी, आप इसलिए थोड़ी जाएंगे। कल को मैं बैठ पाऊंगी तो अपने काम घर के भी नहीं कर पाएंगे, खाने पीने के बनाने के, तो उसमें इस पर्पज से कह रहे साइटिका में ऐसे तो नहीं, घर में नहाने धोने में तो ये हो गया, कपड़े धोने में, नहाने में, जैसे सत्संग के लिए मैं ऐसे ही बैठूं, लेकिन 3 घंटे में दिक्कत होगी। नहीं, 3 घंटे का सत्संग नहीं, 45 मिनट का, तो 45 मिनट भी इसके ऊपर बैठ जाओ, चाहे इससे भी ऊंचा हो थोड़ा बहुत, जैसे होता है स्टूल होता है या कुर्सी पे, लेकिन जमीन पे ना बैठे, ताकि ये दोबारा होने का डर रहता है। अब यह 3-3 घंटे लगातार कपड़े धो रहे तो ये रिपीट हो सके, तो 1 घंटा कपड़े धो के थोड़ा छोड़ दो बीच में, आधे घंटे 1 घंटे बाद, 1 घंटे छोड़ दो, 1 घंटे बाद कर लो, थोड़ा शाम को कर लो, थोड़े कल कर लो, अगर ज्यादा कपड़े हैं थोड़ा हेल्प ले लो घर में किसी की, ये नहीं कि 3 घंटे कपड़े धोकर ही। अच्छा, जैसे डॉक्टर साहब, जैसे ऐसे बैठती हूँ ना तो मुझे रिलैक्स होता है ऐसे बैठकर, तो कमर काफी तो कह रहे बैठकर ऐसे
चौकड़ी मार के कमर, कुर्सी में तो कमर लगा के बैठो ना, कमर लगाने में तो कोई मना थोड़ी कर रहा, तो आपका कोई झगड़ा है क्या राहुल गांधी का मोदी का कुर्सी का? आपने कुर्सी में बैठना सत्र में, आप बिल्कुल ठीक रहोगे, ठीक है ना। हमारा जिला सहारनपुर, राज्य उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ जी का, मोदी जी का, और हमारा मोबाइल नंबर 9411295804 और आयुष्मान भूपेंद्र अग्रवाल, साइटिका हो, आर्थोराइटिस हो, पैरालिसिस हो गया हो, लंग हो, हाथ पैर कमजोर हो रहे, पैर कांप रहा है, ऐसे कांपते हैं मेरे हाथ कभी कभी, जैसे मुझे कुछ देर खाना कुछ खाया नहीं, मतलब एक घंटे डेढ़ घंटे के बाद जो भी कुछ है ना ऐसे कांपना शुरू हो जाएगा, सब ठीक होता चला जाएगा। फिर आपने ध्यान रखना कि तीन तीन घंटे कपड़े ना धोए, अगर काम ज्यादा हो रहा, मेहमान आ गए तो लगातार अगर आप रोटी बना रहे खड़े होकर दो दो घंटे, तो उसमें हेल्प ले लो लेडीज की, या बीच में गैस बंद कर दो, जब लग रहा भाई मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बहुत देर होगी खड़े खड़े, अब मुझे बैठना को मन कर रहा 10 मिनट तो बैठ जाओ, 15 मिनट फिर कर लो काम। ये ना करें कि भाई शर्म शर्म में, चाहे नंद है चाहे निठानी है, कि भाई लगातार खाना बन रहा 10-12 लोग आए हुए मेहमान, एक बात है कहने की, तो उसमें बैठ जाओ या गैस बंद कर दो, या किसी लेडीज को बोल दो भाई रोटी तुम बना लो, तो आप ठीक रहेंगे। अब जैसे आपने बोला हाथ कांप रहा, हाँ ऐसा कांपते हैं अगर ना कुछ खाऊं ना, 11:12 हुए अभी, आज के बाद ना हाथ कांपेगा, ना पैर में दर्द होगा, ना कमर में होगा, ना बॉडी में होगा, और गेट पे निकलने से पहले जब 11:15 दर्द ना रहे तब हमारी बात में वजन है। फिर जाके अगर घर जाके भूल गए कि मैंने तो कम्बल धो दिया, मैंने तो 3 घंटे कपड़े धोए, मैंने तो 12 आदमियों का खाना बनाया तो और अब मैं बैठ पा गई, फिर हम आपके पति को कहेंगे कि पत्नी बदल लो। अगर नहीं समझदारी से रहते, कल को बेड पर आगे कोई पसंद नहीं करने का, किसका पति है किसकी सास, कोई पसंद नहीं करने का, ये बैठी मेरी पत्नी, मैं इसी का मरीज हूँ पिछले 27 साल से, पत्नी बदल लूंगा और बेटा बदल लूंगा, लेकिन मैं छल्ला नहीं निकालने का, और मैंने सिलेंडर 27 साल में नहीं उठाया, ना मैंने 2 बाल्टी पानी उठाई, तो मैं नहीं जी रहा अपना जीवन, यही अच्छा लगा मैं बेड पर आ जाऊं, लैट्रिन पेशाब कोई पत्नी करेगी या पति करेगा, मैं अपना ध्यान क्यों ना रखूं, मैं ठीक नहीं बैठा, चलो कहां चलो, लेकिन मैं यही 3 बातें ध्यान रखता हूँ, नहाने में स्टूल रखो और गद्दा रुई का बिछाओ सोने, अब जैसे गर्मी आ जाएगी चाहे निकाल दो दरी चद्दर बिछाओ, लेकिन रेडीमेड नारियल के फॉर्म के गद्दों पे जो डबल बेड पे होते हैं फॉर्म के नारियल, उस पे इस जन्म में नहीं सोना, वो आप देखो गद्दे का क्या होगा, या तखन बिछाओ अलग, चाहे डबल बेड पे उतार के रखो, और आज के बाद बिल्कुल ठीक रहोगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने का।